से अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब मुंतज़िरहू पीरे तरीकत और सादात और ख्वाजगाने कसूर शीर हजरत इमाम अलौलिया ख्वाजा दायनुल हुजूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार के खानवादा की तुश मुचरा हजरत किबला पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान जिन्होंने गुरबत से के मसले पर असम्बली को भी कौमी असम्बली को भी ये शर्फ दिया कि वहाँ इस मसले पर बड़ी भरपूर अंदाज में आल इस्लाम की नुमाइंदगी फरमाई अल्लाह ऐसी अजीम मरतबा शख्सियत की आप इसी फरमाए और हजरतुल्लाह मौलाना किबला अल्लामा मुफ्ती सैयद हबीबुल हक शाह साहब मुंतज़िरहू जामिया रज़विया ज़ारूम मरकज़ी दारूम उसकी और अपने अजीम वालदे गिरामी की नुमाइंदगी फरमाते हुए तशरीफ़ फरमाए हैं और खिताब भी फरमा चुके हैं हजरतुल्लाह मौलाना साहबजादा पी सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मुंतज़िरहू खलीफ़ा पंजाब गौसे ज़माना हजरत क़िबला आलम सैयद पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी किलानी आप भी अपने खिताब से आपको महसूस फरमा चुके हैं हजरत मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद खान रवाई साहब और आस्थाना आलिया हजरत हुजूर वहीद नवाज इमाम अलौलिया हुजूर करीम नवाज साजा मोहिउद्दीन हसन सकेरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने आपके खानवादा से अजीम अजीम मर्तबा शेख हजरत दीवान सैयद आले हबीब चिश्ती आप ही तशरीफ फरमाए और हमारे बहुत ही अजीम कायद ज़ैनब इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी रिज़वी मुंतज़िरहू कराची से तशरीफ लाए और अपने अजीम खिताब से आपको माज़ूर फरमा चुके हैं इन सब हज़रात की बाबरकत दुआओं से आकर भी आपकी खिदमत में हाजिर है और हस्बे इरशाद कुछ वक्त के लिए आपसे हम कलाम होगा बिरादरान इस्लाम जिन लबात कुदसिया अजीम और मर्तबत हस्तियों की शान मर्तबा कबूलियत और तकर्रुब ज़ाते बारी ताला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर नुसूस कुरानिया अहादीसे मुतवातरा व मशहूरा इजमाए उम्मत इन सब दलाइल से जिनके मर्तबे वाज़े हों और चाहे उस पर हमें किसी लंबे चौड़े किताब की जरूरत नहीं अहले इस्लाम की अज़मतों को जानते हैं लेकिन जिस वक्त किसी अजीम और मर्तबत हस्ती की बेकदरी की
की जाएगी तो हर उस शख्स पर यह लाजिम और वाजिब होगा कि जो भी उसके पास इल्म है उसको जाहिर करते हुए जिनकी कदर अल्लाह करे उनके मर्तबे को बढ़ा दीजिए। गिरामी कदर हजरा ये वो मुकद्दस समा था आलम था सहाबा पाक जिनके मोमिने कामिल होने में जिनके जन्नती होने में जिनके अल्लाह ताला जल्ला शानहू व अज्जा स्मुहू की बारगाह में उम्मतों में सबसे बुलंद रुतबा के साथ अल्लाह के कुर्ब में कुरान की आयात मौजूद हो वहां हमें किसी और की दलील की जरूरत नहीं है। हजरत खातून जन्नत बिंत रसूल करीम आप खानवादाए रिसालत में वो मकाम रखती हैं कि जिनको रसूल पाक ने अपना जिगर फरमाया। आज भी कोई शख्स कोई बंदा अपनी औलाद को अगर कोई जान कहता है या जिगर कहता है ना उसे पता भी हुजूर से चला है कि औलाद का असर कहा जाता है। आज तो बच्चा बच्चा किसी दोस्त को कह देता है तू मेरा दिल है मगर ये कहना किसी को ना आता था जब तक रसूल पाक ने ना कहा। ये शरीका रहा किसी ने ये शरीका हुजूर ने सिखाया इजहार मोहब्बत के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया और यह हदीस हदीस की सब किताबों मौजूद है बुलंद तरीन सनद के साथ कोई सब सुबह नहीं इतना फातिमा जो बदातों दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरा मेरे बदन का हिस्सा है बदातों का तर्जमा आला हजरत ने खुतबात रबिया में फरमाया वह आला फिर जाते कभी ने खैर दिया सुनते हैं आप आशिक हैं जो लोग नबी पाक की नारायण के आशिक हैं वो नबी पाक के जिगर से कैसे ना वाकिफ हो सकते हैं। आपने फरमाया इसको जो चीज इसे अजियत देती है वो मुझे अजियत देती है और जो इसे अजियत दे वो मोहम्मद को अजियत देता है और साथ ये भी फरमाया कि जो इनसे अकीदत और मोहब्बत रखता है वो ये ना समझे कि फातिमा से अकीदत रखता है वो मोहम्मद से उसको तो मोहब्बत रखता है। सबनी अमन सबनी अकद सबल्ला जो इसको घटिया लफ्ज या हल्का लफ्ज बोले वो इसकी तो ही नहीं करता वो इसको सब नहीं करता वो मोहम्मद को सब करता है जो मोहम्मद को सब करता है वो अल्लाह को सब Yeah.
निशान और मंजलत से घटी हुई कोई भी बात सब में दाखिल है। और ऐसी बात अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भी कर ले, जो हमारे जैसे मुसलमान समझ ले, आम मुस्लिम अगर दूसरे मुस्लिम के लिए भी सब करता है तो ये फिस्क है। जवाब और दूसरे में फसूक और कुफ्र, ये भी फिस्क है। और अगर वो सब करे, शान से हल्का लफ्ज बोले, बेकदरी का लफ्ज बोले, असर का लफ्ज बोले, उस जाते करीब के लिए, करीब आके लिए, इनको हुजूर अपना जिगर फरमाते। अपनी तकरीर का वक्त नहीं, नोट करो, हजरत खातून जन्नत से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, उनको अदियत, रसूलुल्लाह को अदियत, उन पर गजब करना और उनको सब करना, ये रसूलुल्लाह को सब करना है और रसूलुल्लाह को जिक्र रसूल को सब करना। तमाम बहुत दशी नगर फरमा रहे हैं, मन सबा फातिमा, इसने फातिमा को सब किया, उनको बिदाय रसूल समझने के बाद भी सब किया, जो खास ऐसा जब कुफर का इंतकाम करता है। बदअमनी ना हो। देखो
इस्लाम में वाला कुंफिल के साथ हजात तो तुम्हारे लिए के सास में हजात है अन्ना नफ्स अभी नफ्स والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن فالقرب صاف किस लिए ये पूरा बदला हो गया दुनिया में किसान हो गया नहीं अल्लाह ने क्या बात है जिसने अगर किसी मुसलमान को मोमिन को कत्ल किया फजा हू जहन्नम खालिदन फीहा व غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما उस पर अजाब भी फरमाता है उस पर लानत भी फरमाता है तो वो पूछे कि मैं वहां बदले हो गया बदले में फांसी भी लग गया या लाभ गुस्सा इस बात का तेरी शरीयत में दो दो बात थी एक सजा वो वहां जी लू एक सजा यहां भी जी लू तो दो दो बातें नहीं ये जान जो तुम्हें तलब थी उसके बदले में तुम तलब हो गया इससे कानून दुनिया का दुरुस्त रहेगा निजाम दुरुस्त रहेगा एक हक अल्लाह का है कि तूने उसको कानून को तोड़ा उसके हुक्म को तोड़ा कहा कानून दुनिया दुरुस्त हो गई इस वजह से उसके उसके औलिया ने तुम्हें मारने आते और भी लोग मरोगे इधर हमला होता और मरोगे बदले में और मरते इसके लिए उसने इंतजाम किए हैं कि किसास हो और तूने जो हबीबुल्लाह को पसे पुश डाला उसकी सजा तुम्हें आखिरत में भी होगी अब कोई समझ आई क्या नहीं आई यहां माफी इसलिए कि जिन गुलामों की तुमने निराजारी की है उनको अमन मिल जाए और मासूम होते तो फिर क्या करते आप
शरीर नहीं है, होते तो क्या फायदा होता, क्योंकि जो मासूम शरीर है आप तो आपका एक उस्ताद को उनको भी कह रहा है कि उनसे भी हताई जाती होती है। मैंने कहा पकड़ो, नबी हताई जाती तो तब करेगा ना जब वो इंतजार करेगा, और इंतजार कब करेगा, कोई भी मुल्तजी है इंतजार कब करता है जब उसके पास वही नहीं होती। दूसरा नबी आप दलील होता है, नबी खुद दलील होता है, तौसीह वही हुई, नबी खुद खुद दलील होता है। ठीक है, इसे आप रसूल की किताबों में सुन्नत रसूलुल्लाह आप कह लेते हैं, अल किताब व सुन्नत। तीसरा इजमा है आपके पास, तो क्यास किए किस्म है इतिहाद, तो नबी अल्लाह पर ये कम को कटवाता है, वही नहीं होती तो उसको याद करना पड़ता है। आपको और आपके उस्ताद को इतना भी मालूम नहीं, आप नबी अल्लाह को मत है बना रहे और कहते जी फलाने फलाने की किताब में लिखा है कि इस वाक्या में उनसे हताई जाती हुई आदम अलैहिस्सलाम से। हमने कहा आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने शरीयत लेकर आ गए थे अपनी उम्मत, उम्मत अभी पैदा हो रही थी और जमीन पर हो रही थी, वाकया हुआ जन्नत में। यूं नजर दौड़े में मच्छी टांग कर अपने बेटे ने तरह पहचान, और सुन लो और तेरा उस्ताद भी सुन ले, उन्हें डाले में जगह देखो टाइम जाती होती है, बतौर कानून कहा दिया तुमने पूरे शरीयत में आकाम दीन में, पूरे शरीयत में आकाम दीन में तबलीग दीन में जो शख्स ये अकीदा रखे कि नबी से खता होती है, ये अकीदा भी कुफ्र का है। अगर कोई ये बात करके डट जाए तो वो शख्स भी काफिर है। से भी उठा ली जाती है
तो मैं कह नबी कह की कीती होए ते मौजूदी जे लगी हुई मक्खी ते मक्खी मारी आ ते मैं मौजूदी जे सिर विच मेरे बाप ने जेड़े मित्र मारे सन वो मित्र तेरे सिर विच मार के आखदा वा के नबी खुदा करे ते पर कुरान दी शान कोई नहीं है। इसके साथ लोगों को ये धोखा है, ये भी 1400 साल जो उम्मत का अकीदा है। मैंने कहा वो उम्मत को और होगी जिसका ये अकीदा है। 1400 साल से उम्मत का अकीदा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खता से पाक। क्यों उम्र दीन में अहकाम शरीयत में तबलीग दीन में इबलाग दीन में अगर खता करे नबी माजल्ला तो फिर उसकी दावत में शक आ जाएगा, उसकी किताब में शक आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि इसके लिए जो हुक्म ना करना। मैं सिर्फ उलमा को मुखातिब करते हुए मुख्तसर रहमत में ये बात कहूंगा, इज्तिहाद इस्तिलाई तो दूर की बात है, इज्तिहाद कानूनी भी ना करना। हबीब उसको जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि याद हो जाए कहीं भूल ना जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअ्नाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। और पढ़ पढ़ के याद करने की कोशिश न कर, क्यों सरोवरियों का भला जलसा इसको पढ़ाना भी तेरे मालिक की जिम्मेदारी, इसका बयान भी तेरे मालिक की जिम्मेदारी। तुझे इनके हाथ से तफहीम की जरूरत नहीं, समझा देना भी रब के जिम्मे, पढ़ा देना भी रब के जिम्मे, तुम्हें हर खता से पाक रखना भी तेरे। अल्लाह का नबी अपनी
लेकर कुछ मफलत हुई उनसे, तवज्जो दिलाओ उनकी भी मफलत हुई। उन्होंने जब एक शख्स को मोहब्बत करते हुए सिर्फ हिमायत मांगी उसके लिए, तो पहला लफ्ज क्या बोल दिया कि नबी तो मासूम होते हैं और उनमें नुबूती नहीं होती, उनमें नुबूती नहीं, कुदरत ही नहीं। ये मासूम का मतलब बयान कर रहे हैं, आगे उन्हीं को सताई गाजी भी कह रहे हैं। ये बड़े मुश्किल है जी, इनके उस्ताद जिनका मैं आगे चले, मैंने कहा उस्ताद जी शराफायद खाली नहीं पड़ी, अंधविश्वास का शराफायद नहीं पड़ी, शराफायद खोल नहीं पड़ी। कहते पढ़ाई भी है, तो मैंने कहा आए मेरे पास, मैं एंक नहीं लगाकर आपको बुलाता हूँ कि इस्मत का मतलब क्या है। ये मलका है इज्तिनाब मासी का, मात तमक्कुनिहा, उस पर तमक्कुन के बावजूद कुदरत है, कुदरत है, कुदरत ही ना हो तो फिर नेकी पर आजर कैसे करें। इनको कुदरत ही नहीं थी, उनको तो रब ने अपना खलीफा ही नहीं बनाया। जिनको कुदरत नहीं वो मायका है, आप कुदरत है पर कुदरत के बावजूद मासियत नहीं होती। क्या हो फरमाया, मैं कभी उनसे दूरी नहीं होता। तुम तो कोई मासियत अंगड़ी की बात करो, नबी एक हर हर लफ्ज नहीं कह रहा, नबी एक हरफ भी, एक हरफ भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं बोल सकता। इसे नहीं समझ आती ना, तो कुरान की यह आयत सुन ले, लौ तकफर अलैना बाद अलअसाबी ला खज़ना मिन्हु बिलयमीन। अपने ख्याल में एक लफ्ज भी बोले तो मैं दाएं बाएं के साथ हूं, पकड़ लूंगा यहां से रब के जनाब यहां से बोलूंगा क्या बोल रहा है। और अगर फिर भी इरादा करे बोलने का, सारा अपने हाथ में है, ये थक गए अगर मेरी मर्जी के बगैर एक हर बोले लगता ना मिन हुरमती। अब समझ आई इस वक्त का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऐसा चेहरा कि अमलन कौलन फ़ेलन नबी हर वक्त कुदरत के पहरे में है। हर वक्त कुदरत के पहरे में है और जहां कतन है दलील कतई के साथ नबी की शान शान, और कहा बोलना कायल है लेकिन महफूजियत के बारे में, ये शान है सहाबा इकराम की अहले बैत अतहार, ये है तकसीम। लेकिन इम्कान इम्कान होते हुए भी, इम्कान होते हुए भी आप उनकी शान में कोई हल्का लफ्ज बोलने की आपको इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है, आप जरा सुनो, ये ठीक है ध्यान ध्यान है, तुम बात आपके साथ मैं बड़े दूर से आया, आप कहेंगे आपको चिट्ठी चाहिए, मैं हूं चिट्ठी का इसलिए चिट्ठी को बताने आया हूं, मैं चिट्ठी का हाँ इसी साल पर खेला हूं मैं, हाँ बचपन से चलना भी इसी किसी पे सीखा है, इसलिए आपको परेशान नहीं देख सकता, खुसूसन दीन के मसाइल में और दुनिया में भी नहीं देख सकता। हाँ याद रखो ये मेरे मंडल का शोभा है, ये जन्मभूमि है मेरी, मैं हाजिर इसीलिए हुआ हूं कि गलती किसी को लगे आप परेशान मत हो, अगर डटेगा गलती पर, गलती पर डटेगा तो हसकम यहां पर और अगर वापस आएगा तो हमने कोशिश की थी, अब जब चाहे वो मानेगा या ना मानेगा, अपने मानने के लिए की नहीं थी, उसे तो पता है जिसके नाम पर की थी। ठीक है, सिर्फ इतनी बात करता हूं, दो
कि यमुना क्रिश्चियन का ये दुकान भी रहेगा, गैर मासूम की बात करूंगा, कुरान से करूंगा और एहतियात के मुताबिक कुरान से। आप ध्यान रखना, इनको कोई बात मिल गई उससे इन्होंने जबाने बंद की, अपने बाप जबान से भी इन्होंने बोली, और ऐसा बोलना इनके लिए मामूली बात थी। इन्होंने बीमार किया कि ये आपसे बात कह दी तो क्या हुआ, दासा हुआ हो हाइये हल्की जानते हुए बात सुनती तो सुनी थी दुकान थी क्या हुआ। अब सुना ना बन अचानक हमारे से बना वह हुआ एकदम लाह आजी, जिसे तुम हल्का समझ के कर गए अपनी जबानी रंग ली कह लिया, अल्लाह के हाथ में बहुत बड़ी बात। कैसे कह दी तुमने, अब जो पता चला कि हाँ अब उस पर गुस्से हो गया, हमने तो हल्की समझ के कर ली थी। तो कुरान क्या कह रहा है, लौला इस समय तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुभानका हादा बुहतानन अज़ीम। अब सोच में आ गए सर क्या, जब सुनी थी हमने तो कुछ कहने नहीं था बल्कि ये कहना था, फौरन सोचे बगैर ये कहना था कि ये तो नबी के खानदान का मसला है, कोई बुरा बोले भी तो हमने बोलना नहीं बल्कि सोचना नहीं, अच्छा था कि हम तो सोचते भी नहीं। अगर समझ आई है कुरान बोल रहा है क्यों, यहां नबी की बात है, नबी के खानदान की बात, नबी के घर वालों की बात, सूरह नूर से बात हो रही। किसी को नाफिक ने बोल भी दिया तुमने 18 दफा उसके लिए तो चेक किया, तेरी ये शान तो नहीं थी, तेरी शान तो सुनना भी नहीं थी, जे जाएगा उसको दोहराना। बात समझ रहे हैं आप किसकी हो रही है, बात हो रही है हजरत आशा की। मुनाफिक ने कॉल किया, मुसलमानों ने भी सुन लिया, रब रबों से नाराज नहीं मुसलमानों से नाराज है। तो मुनाफिक है, तुमने क्यों सुना, सुना तो तुम सोचने क्यों लगे, क्या ला कर दी है सोच लिया तो क्या गुनाह किया, और माया पागलो किस बात को सोचते हो, दिमाग किधर गया तुम्हारा, और तुम्हें पता नहीं ये नबी की शान के लायक ना होती तो उसके अहले बैत में मैं दाखिली क्यों करता। तुमने सोच कैसे नहीं आई, क्या क्या अब समझाता हूं तफसील से। कोई गिरी पड़ी चीज आप अपने घर वालों में शामिल करते हो, बड़े यहाँ हमारे टीम में खेल रहे हैं उनकी बड़े चुपरा बैठी है, मैं इनकी खिदमत में करता हूँ कि जब ये कहते हैं किसी दादे से रिश्ते कराने वाले से कि यार दीदा रिश्ता कर रहा है कुछ चलता कर रहा है, कोई इज्जत आ कर झूठी कोई झुका तकी यही कहते हैं। आजकल तो लोग ये भी कहते हैं बागेला ने पासपोर्ट भी चेक करी, बाकी तो है लेकिन पुराने दौर में लोग यही कहते थे वो झुका बैठी कोई इज्जत बैठी। तो आपको तो अपने बेटे के लिए इज्जत वाला घर चाहिए, तो रब को हबीब के लिए अपना चाहिए। फरमाया मेरे हबीब के रिश्ते उनकी मां ने नहीं कराए, बाप ने नहीं कराए,
मौली साहब के हवाले देते रहो, मैं अल्लाह का हवाला दे रहा हूँ कि नबी के घर वालों के बारे में हल्की बात इसको समझते हो ना, जब तुम अल्लाह के सामने पेश हो गया तो पता जाएगा वह अजीब। वो छोटी बात नहीं, वो बड़ी भारी बात है, अल्लाह के आगे बड़ा मामला है। तो मुझके हल्का समझते हो, एक बात कह दूं तो खुदा से कर दूं, मैं ला सकते हैं। आप कहोगे ये तो कैसा किसान है, तो हजरत फातिमा के शान के मुताबिक कैसे बात हुई, हजरत आयशा सिद्दीका मुज्तहिदा उम्मत, सिद्दीका बिन सिद्दीक, एक ताल्लुक में ऐसी बात है, अगर हुजूर छोड़ दे, ये भी कुरान कह रहा है, अपनी तरफ तजवीज नहीं कर रहा, आसान को इंतजा खबर सारी सिफात में इनसे बेहतर एक शिया मुझसे कहने लगा, आप कहते हो हमारे मुताबिक आपसे बेहतर कोई नहीं, तो जब अल्लाह फरमाते हैं इनसे बेहतर तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, तो फिर बेहतर है ना। मैंने कहा शिया साहब आपको भी धोखा हुआ है, इन तल्ला का कुन्ना, वैसे बेहतर कोई नहीं, बेहतर तब होगी जब हुजूर छोड़ दे, सुने हुजूर छोड़ दे रहना। मैंने कहा है अहले जन्नत
बीवियों की, अहले जन्नत की बीवियों की भी और मोमिनीन की औरतों की भी और अहले जन्नत की भी और निसाए आलमीन की भी ये सजदा है। लिहाजा इस हदीस के जुमले को देखना कि सरकार क्या फरमा रहे हैं और एक तौर ये मौजूद है कि जो रिश्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत खदीजा का या आयशा का है उस एतबार से उनके बाद की सरकार है, लेकिन ये मुहद्दिसीन ने बाकायदा रिवायत किया है इसको भी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो ये है अगर के बारे में और दूसरा अगर क्या है, दूसरा अगर कुरान में क्या है, तुम्हारी मिसल कोई नहीं, कब अगर तुमने क्या किया तकवा में इख्तियार किया, तकवा इख्तियार किया ला तख्तान बिल्कौल भैया पाल नदी फिर कर दे मर वह कुलना कौल मारू हो वह करना फिर भी तो करना। अगर इन हिदायात को तुम्हें रिजी दे रहा हूं इस पर तुमने अमल किया तो तुम्हारी मिसल कोई नहीं, यहां भी एक अगर है, लेकिन इस अगर में सईदा फातिमा दाखिल नहीं क्योंकि खिताब है निजाम का नहीं है, तब संजय फातिमा को दाखिल किया तो सीधा ही बदल दिया पुन्ना से कौन पर आ गए उठा के देख लो सूरह अहज़ाब में फरमाया इनके साथ बात नहीं। अब बात यह हो रही है कि बेटी का कि इज्जत बाप की इज्जत है। हबीब जैसे तेरी शान के लायक तो ये बात और तो ये बात अजवाज तेरे लिए चुनी है औलाद का तेरे लिए इंतखाब वो किया है जो सारे तकदीर रखती है, सारे तकदीर रखती है। अब मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं बात समझ आ गई आपको कि ये बात के सोचना भी नहीं बात हारना भी नहीं बल्कि बात को हल्की करे नबी के घर वालों के बारे में उसकी बात को सुनना ही नहीं, सुन ली तो फिर अदा नहीं करना बल्कि फौरन कहना है झूठा है बकवास कर रहा है। अल्लाह फरमाता है आप कह रहे ये बात तो खास उस मौका की है सिर्फ उस मौका की नहीं अगली आयत सुनो आयतों को तो ना हो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है ऐ मुसलमान अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है क्या आयतों को तो ना हो अंतऊदु लिमिस्लिही अबदा इस कलमे की मिसल कभी गुस्ताखी का लफ्ज अबदा क़यामत तक हमेशा हमेशा के लिए रब ने मोमिनों से मोमिनों को मना कर दिया मेरे नबी के घर वालों के लिए इस जैसा कलमा कभी नहीं बोलना। रिपीट नहीं करना दोहराना नहीं कभी कभी अबदन कभी भी नहीं करना। तो सामने वालों से बात करो तो अबदन क्यों कहा फरमाया बाप की उम्मत भी समझ जाए जितनी भी बड़ी डिग्री हो यहां डिग्रियां नहीं चलती यहां अदब चलता है। वरना अशरफ अली ने भी किताब तो एक हजार लेके लिखी थी सिर्फ दो सफर पर मार लगी हजारों सफर लिखे उसने मगर दो सफरों पर फंसा हुआ है आज भी अशरफ अली चाहे अदब था इसलिए क्या अदब की बात होगी और पगलो तुम इस बात पर अड़े बैठे हो कि साहब गलती की नहीं गलती नहीं तो की होती तो पूरी दुनिया में इज्तिराब में लोग ना आते इज्तिराब में तभी आते हैं जब तुमने कलमा हल्का बोला और रब खुद हमारा है मुनाफिक तो ऐसा कर लेते हैं छोटी सी दुबाव की यह फर्क क्या पड़ता है देखो कुरान की दलील इतनी मुताबिक भी आए कि ये तो कभी सोचा भी नहीं था कुरान बिल्कुल फिट आ रही है वैसे ये समझ रहे हैं ऐसे आम सी बात है आप क्यों हम पद पर हमें अल्लाह फरमाते हैं तेरे की काम बात है जब ये आम घर में इनकी आम इज्जत नहीं तो तुम ये आम जुमला कैसे कर सकते हो अल्लाह या
अल्लाह के आगे बहुत बड़ी बात, तुम्हें इल्म दिया गया ताकि सुथरा सुथरा मजमून ला मेरे हबीबों के लिए, तुम्हें अकल दी ताकि अच्छी से अच्छी श्रेष्ठ ला हबीबों के लिए। तो जिनके हम तरीके पर है ना, वो तो ये कहते हजार बार मशहूरियत का हर हज मुश्को खुला हो नाम तो मुफ्तन कमाल लिया नबी तो कलाम श्रेष्ठ का है। और सुनियो सुन लो, 50 साल से मेरे तकरीरों का ये रिकॉर्ड है कि मैंने दुनिया को ये बताया कि नबी अलैहिस्सलाम की जूती मुबारक तो जूती भी कह दिया वो काफिर हो जाता है, बताया कि नहीं बताया। पिछला सारा रिकॉर्ड गवाह है, ये बातें सुनी तुमने या नहीं? लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ है, वो कहते हैं अब शाह साहब क्यों बोल रहे, शाह साहब ने कब नहीं बोला? और सोने मिट्टी आए हो, मैं तो बड़ा मिट्टा कर करके तुम सुनाना है, आपका ध्यान ही नहीं किया। और ऐसी वजह से एक बार भी तो हिंद करना अभी काफी हो जाता है, ये एक बार भी तो हिंद को भरे जिन्हें जूती मुबारक भी तो हिंद को भरे उन्होंने जिगर भी तो हिंद। छोटी सी बात है, मैंने कहा तो छोटी है तो फिर माफी मांग ले क्यों? किने भी अपनी तौबा करना और गलती तस्लीफ करना आसान हो ना, अपने हक में कोशिश होती नहीं समझ रहा, वो चीज मेरे हक में बड़ी है वहां छोटी समझ रहा है। अगर ये छोटी सी गलती की है तुमने, छोटी गलती को कबूल करने में क्या अरे जी आप, इसका मतलब है कि खता मानना तेरे अपने लिए मुश्किल हो रहा है, तो तू क्या चीज है उस बारगाह के मुकाबले में? वो आखा बोल के तू समझ छोटी सी बात की है, जिसके लिए रब कह रहा है अल्लाह के हाँ ये बड़ी बात है, वह अल्लाह अजीब अल्लाह क्या बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात मत बोलो, कभी ना बोलो या इस वक्त मुर्दा हो, ये बात है अल्लाह का नसीहत है, ऐसा कलमा कभी ना बोलना। और आगे कह रहे हमने और कर रहे हो तो इन कुंतुम मुमिनीन, ऐसी गलती फिर ना करना अगर तुम मोमिन हो, इस अगर में मसला कैसे हल करना है अल्लाह, हम तो मोमिन है ना, कभी बोलेंगे ना कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि मोमिन है। अल्लाह फरमाता है कि जो अकड़ता है ना अकड़ने दो, क्यों कि मैं तो बहुत मोमिनों से कर रहा, सोचना भी नहीं कभी कहना भी नहीं। देखो कुरान ने कितने फैसले कर दिए, एक तो मोमिनी ये मेरी नसीहत है, रब फरमाते हैं ना बोलना अगर तुम मोमिन हो, मोमिनो अगर तुम मोमिन हो तो भूलना भी नहीं, क्यों इसलिए उनको नबी के घर वाले बनाऊं और इज्जत देना भूल जाऊं, तो घर वाले बनाऊं इसलिए कि इसके सदके तो आदम से लेकर अब्दुल्ला तक सबको मैंने पाक किया, तो आदम और हव्वा से लेकर मेरी अम्मा आमिना और हजरत अब्दुल्ला तक सब और उनकी नस्ल को पाक किया, जो ताहिरा कुत्ता तहिला जो उनके सहाबा को पाक किया नहीं होता ताहिरा कुत्ता, और ये तारत मेरी माया नहीं रखी, उसका कोई चिट्ठा आपको भी दिया है लेकिन आपको याद रहा आपको कौन सी तारत दी, मायूरी दुनिया हो लिया जा रहा नहीं तो इन हरा की बना की ताहिरा को वाली उचित मैंने आप हम हरे को बरान को टच करो। मोमिनो जब तुम पान लो गुजू करते हो ना तो तुम्हें मेरे मुसीबत में डालना, ये मेरा इरादा नहीं, नबी की शान के लायक उनकी उम्मत को पार करना ये इरादा है, जब मैं तुम्हें धो धो अरे नबी ने जिस जमीन पर कदम रखना था पहले कदम की बरकत से रब ने सारी मुझे जमीन मस्जिद बना दिया, लाख तो मस्जिद का तो हुआ उसके कदम लगने थे तो जमीन पाक कर दी, जहां से चाहे खा लो तयम्मुम जहां से चाहे खा लो, तो उनकी बेटी जो जिगर का टुकड़ा है उनका जुज है उसके बारे में ही ये कभी छोड़ती थी कि मौलवी अपनी जबान चलाते
मसला वादे कर चुका, लेकिन कुछ बच्चे नए बड़े हो गए हैं, वरना पुराने लोगों को मैं कई कई छुपे तक ये मसला समझाता रहा हूँ। आप फिर एक दफा सुन लेना, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, ये भी हदीस सियासिता से पेश कर रहा हूँ। एक अंसारी औरत हुजूर से अंसारिया सवाल करती है, यार सुल्ला कोई औरत अगर ख्वाब देखे, कोई भी ख्वाब देखे और उस ख्वाब का असर सुबह को अपने कपड़ों पर देखे, तो क्या उस पर गुस्ल लाजिम है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कपड़ों पर उस ख्वाब का असर देखे तो उस पर गुस्ल लाजिम है। वो मसला शरीफ पूछा चली गई कि घर था सजदा उम्मे सलमा वो जब चली गई तो आप आगे आके अंसारिया ने क्या मसला पूछा? फरमाया दोहराने की जरूरत है, तो सुन लिया ने क्यों पूछा? या सुना मुझे ताज्जुब है, इसलिए क्या मसला पूछा? फरमाया तू औरत है, ताज्जुब किस बात का करती है? या सुना मेरी तो आपसे पहले भी शादी हुई थी, आपकी शादी निकाह में आने से पहले भी मेरी शादी थी, मेरे बच्चे भी हैं। आपके रब की कसम हमने तो ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा। अगर समझ ना आए तो जो दोबारा भी समझ आ सीधा उन्हें सलमा समझ कर दी। क्या पूछा? और मैं ये पूछा कि यार सुल्ला ये बड़े ताज्जुब की बात है, मैं भी तो औरत हूँ, बच्चों वाली हूँ, पहले भी मेरा निकाह था, आपसे भी निकाह हुआ, बंदा रब के नबी की बीवी है ना, अल्लाह जिनको मेरी बीवी सौदा चुन लेना कि मेरा जोड़ा बनेगा उसके साथ, हाय अल्लाह जिनको चुन ले मेरा जोड़ा बनेगा उसके साथ, यानी सौद मैं हुआ सौदा वो होगी। रब शैतान को उनके खातों में भी नहीं आने देता, मासूम नहीं पर जोड़े बनाए हैं तो बनाया गया है। होश कर दुनिया, सुखन सनास नहीं दिल बना, हताई जा हताई जा हताई जा ना जा ना को नबी का जोड़ा होने के लिए रब चुन लेता है, अभी जोड़ा बनी नहीं बनना है, बाकी की तब से अता फरमा दी। एक शादी चली आप सुना, जब इतना एहतमाम था तो भी शादी हो गई, तो मैंने बुआई होती तो आपसे निकाह हो जाता। फरमाया बेगा औरत मेरी उम्मत है, क्या कदर पाती है कि मैं बेवा से शादी न करता, और तरफा औरत को मेरी उम्मत में क्या मकाम मिलता अगर किसी बराब वाले औरत से मैं निकाह न करता। आपने किए हैं तब भी हमारी नजर में अभी औरत की कदर घट जाती है, ना किए होते तो क्या हाल होता उन सबको। रसूल रहमत उन औरतों के लिए भी है, गिरे पड़ों के लिए भी रहमत है ना, गिरे पड़े मैं नहीं कह रहा, अपने मुआशरे के उन बुलाए हुए लोगों को, निगलेक्टिव लोगों को बात कर रहा हूं जिनसे कोई तवज्जो नहीं करता। फरमाया मेरी शादियां रब गवाही होती है, रब ने मेरी शादी उससे भी की है, लेकिन मेरी शादियां बेवा से हुई है और मुतलका इससे भी हुई है, तलाक वाले से भी हुई, और जिसके जैसा वाले से रखा हुआ है ना, मैं कुर्बान जाऊं उसको शान पता क्या दी, वो फखर करती थी हजरत जैनब और दूसरी अजवाज से कहती थी तेरा निकाह
मोहम्मद रसूल से बड़ा नहीं बनाया, तेरा बुला नहीं बनाया, मैं वो हूँ जिसके इसका और है वो इन रब ने खुद बनाया। लफ्जों को ध्यान है तो सब बजना का, हाँ इस लफ्ज पर गौर करना, सब बजना का, सब बजना का, अल्लाह कहते हैं जैसे लिखा है मोहम्मद मैंने बनाया, मैंने बनाया फर्ज करते थे इस बार। मैं जो बात कहना चाहूँ समझ आ गई ना, मासूम मासूम तू रट लगाया क्यों, किस समझ में इस बच्चे में बैठा है, अल्लाह के बंदे मासूम कहने से भी तेरे जैसे बंदे को फायदा नहीं होता, क्यों कभी तो मासूमों पर भी खता का काम दे लगा रहा है, तो मासूम को कहता नहीं होता तो तेरा क्या भी होता, तू तो फिर बिगा देता नहीं, उन पर हो गया तेरे पर हो गया। हम ये कह रहे हैं कि हम उन जाते पाक की बात करें जो मासूम शहीद नहीं है, इसके बावजूद उनकी शान ये है कि उनके ख्वाब भी पाक था, हालांकि ख्वाब भी तो कोई इरादा नहीं होता ना किसी का, स्वयं बेटा हुजूर इतने पाक है कि जो उनके खानदान में है उनके ख्वाब भी पाक था, हुजूर के पास मासूम नहीं भी है तो इतने पाक है। आदम बिन बंदा मुहद्दिसी मौजूद है, लंबी तकरीर हो जाएगी, उनको एक पैगाम आले मक्का को भेज दिया मदीना आने के बाद, हजरत मौला ने को भेज के उनके सफीर के कपड़ों से वो पैगाम निकाल लिया, शासिता के लिए से ले आया, बता है मैं सामने आ गए ना, हजरत फारूक के आदम उठ के खड़े हो गए, माया ये रियासत मदीना का घास की बात देने के लिए, मैं मालूम है इसकी गर्दन भी मुनाफिक है, मैं मार दूंगा इसको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया बैठ गया, बैठ गए, तो मैं उमर तू नहीं जानता आदम कौन है, या सुन जानता हूँ आदम है, पर इसने क्या किया, मैं चुप कर, ये हातिम है ये बदर में मेरे साथ था, और तुम्हें नहीं पता कि बदरियों की गलतियां रब ने पहले ही माफ कर दी, मगफूर है तू कैसे मारेगा इनको, मगफूर है अब बोल रहा ये मासूम है, और मासूम ना भी हो तो मासूम ऐसा रंग देता है कि उनको खातों को भी पाक कर देता है, इसके लिए मासूम कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तू तो ऐसे आटा लगा गया कि वो भेड़िया मजबूर मंतिक भी जिस बंदे को पढ़े हो, पहली किताब पहला लफ्ज इलम की तारीख दर्ज में मैं लिखा है, हर के दर्जन आयत पूरा इलम हो गया, ये भी मैं तेरे ना सिर्फ फायदे का लिखा इलम की पहली डेफिनेशन जिसने बताई है उसी की कुर्बियां हमारी मिली अमीरों में हो, बर्दाश्त करेंगे लेकिन शहीदों के लिए बर्दाश्त नहीं, हद में रहो, मुझे कह रहे हो मर्जी कह रहे क्यों, तो शहजादी ने भी कहा था कहीं जा रहे थे तो उनका कपड़ा जो है गाड़ी से आ रही है हाथ बांध के खड़े हो गया है गाड़ी है लेकिन तो तुझे नसीब बनाया तुम कहा तो मेरे कपड़े पार था, हमें जो मर्जी कहो लेकिन शहीदा मश्के सितम नहीं है, है उनके गुलाम, ये जरूरत न करना कर बैठो तो वापस आओ बाजा बाजा हर आम की हस्ती बाजा कर काफर कबर बुद्ध बस्ती बाजा ईदर का है बार दर का है ना उम्मीदी देश सच्चा अगर तौबा शकस्ती बाजा खेलना होगी ना तो मैच को आराम किया सहीदा की शान में पहले तो अरे सातों पास जाना भी तो मुश्किल होता है वो तो भट्टी पर होते हैं बेचारे जब चाहो आप ऐसे कौन सी छुपी हुई बात है, हाँ अगर किसी और को भी शक है ना तो मैं भट्टी छोड़ गया था तो आनू बस बस या देखने वास्ते भट्टी छड़ गया था तो ये उम्मीद है ना
फिर भट्टी में क्यों बैठू, फिर मैं बताऊंगा तुमको क्या मुझे हदीस पता नहीं चलता। सुनो एक बात, हम साहबा की तो एक बर्दाश्त नहीं कर सकते, साहबा सौ बच्चे बने हैं ना, मजलिस से बने हैं ना, ईमान के साथ ज्यारत से बने हैं ना, जो उनकी सोबत वाले शरफ वालों की तौहीन के रवादार भी नहीं बल्कि तौहीन करे, तो ये शख्स उसके मुकाबले में आके मुनाज़रा करके दिखाता है और मनवाता है अगले को। तो फिर समझना, जो सोबत से शरफ पाए हम उनकी इज्जत करें, ए बंदा वो एक चलना
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਵਿਆ ਦੇ ਮਰਾਦੇ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਡਾ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੜਦਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਜਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਅਭੀ ਇਹ ਮਾਵਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ I'm not sure if you're a man. I'm not sure if you're a man.